जो वोट है वो कितना कीमती है, और वो इस चीज़ का सही जगह पे प्रयोग भी करते हैं। तो मैं सभी को कहना चाहूँगी कि आप देखिए, सभी राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तीसरी बार आएंगी और जनता में उत्साह है और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं 19 तारीख का और 26 तारीख का कि कब वो दिन आए और वो इस उत्सव में भाग लें। आजकल हर व्यक्ति, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, सब चाहते जानते हैं कि उनका जो वोट है वो कितना कीमती है, और वो इस चीज़ का सही जगह पे प्रयोग भी करते हैं। तो मैं सभी को कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर ज़रूर वोट करें, ये आपका मताधिकार है और जो ये लोकतंत्र का उत्सव है उसमें अपनी भागीदारी ज़रूर ज़रूर निभाएं। मातृशक्ति से आप मिल रहे हैं, आज मातृशक्ति कार्यक्रम है अजमेर में और हम सब जानते हैं कि माताएं बहनों का तो बहुत ज़्यादा ही वो मोदी जी के जिस तरह से मोदी जी की योजनाओं का जो लाभ मिला है सबसे ज़्यादा माताएं बहनों को मिला है और ये इस बात को मानती भी हैं और हर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट हमको माताएं बहनों से मिलता है और माताएं बहनें जो हैं, महिला जो है वो घर घर को प्रभावित करती है, अपने घर को भी प्रभावित करती है और आसपास में भी उसका बहुत बड़ा अफेक्ट होता है क्योंकि वो घर घर जा सकती है और वो सबको समझा सकती है कि मोदी जी कितना काम कर रहे हैं और अब तो आरक्षण भी हमारी माताएं बहनों को मोदी जी ने दिया है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आज एक बड़ा सम्मेलन है, मातृशक्ति सम्मेलन अजमेर में। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार जो है कम से कम 10 लोकसभा सीटों पर वो जीतेगी। कांग्रेस को बोलिए कि वो पहले अपने घर को संभाले, पार्टी को संभाले और इस तरह की बातें ना करें। उनके बोलने से कुछ नहीं होता, जिस दिन रिजल्ट आएगा वो सबको दिख जाएगा।